और चलिए इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है सुनवाते हैं आपको। और शरद रेड्डी की पिता की जो कंपनी है अरबिंदो फार्मा और उनकी सब्सिडियरी ने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए दिए, ये हमने आपको बताया। आज हम शरद रेड्डी के बाद दो और गवाहों के विषय में आपको बताएंगे और बताएंगे कि उनकी गवाही किस तरीके से ईडी ने ली है और किस तरीके से ये पूरा का पूरा केस एक फ्रॉड पर आधारित है, एक एक्सटॉर्शन रैकेट पर आधारित है। मैं बात कर रहा हूं मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी एमएसआर के विषय में और उनके बेटे राघव मुगुंटा के विषय में। तो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में बताया था, एमएसआर ने अपने ऑफिस से, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से अपॉइंटमेंट मांगी कि मैं एक मुख्यमंत्री से एक सांसद के तौर पे मिलना चाहता हूं। 10 दिन बाद उनको अपॉइंटमेंट मिली। 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में ये थोड़ी सी देर के लिए मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री जी को इन्होंने कहा कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरी फैमिली एक ट्रस्ट चलाती है, मुझे उस ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा जमीन एलजी के अधीन आती है, लिहाजा आप मुझे रिक्वेस्ट लेटर दे दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। सिर्फ इतनी सी बात हुई है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर से, और वो भी ऑफिशियल मीटिंग हुई है, बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके हुई है। इसके बाद ये मामला दर्ज किया जाता है और 16 सितंबर 2022 को इनके यहां छापा पड़ता है, इनके ठिकानों पे छापा पड़ता है। जब छापा पड़ता है तो इनसे स्टेटमेंट ली जाती है और ये वही बात कहते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में कही कि मैं अपने फैमिली ट्रस्ट के सिलसिले में, उसके जमीन के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल जी से मिला, उन्होंने कहा कि एलजी को लेटर वो फॉरवर्ड कर देंगे, बस इतनी ही बात है। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो ईडी ने दर्ज की हुई है, ये स्टेटमेंट 16 सितंबर 2022 की है। इसके बाद इनके बेटे राघव मुकुंटा को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाहिर सी बात है ये चौथी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लिकर के बड़े कारोबारी हैं साउथ के और काफी जनरेशन से इनका वहां पे बड़ा कारोबार रहा है, कहा जा सकता है कि करोड़पति अरबपति आदमी है। 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक अरबपति आदमी के एक बेटे को जेल भेज दिया जाता है 10 फरवरी 2023 को, 5 महीने तक उसको जेल में सड़ाया जाता है और फिर ये बाप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूट जाते हैं और 5 महीने बाद 16 जुलाई 2023 को ये अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं और पहली बार अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। जब ये 16 जुलाई को स्टेटमेंट अरविंद जी के खिलाफ देते हैं तो 18 जुलाई को इनके बेटे की बेल हो जाती है, वो छूट जाता है और फिर वो 3 अक्टूबर 2023 को वो सरकारी गवाह बनके अपना माफीनामा ले लेता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन महीनों के दौरान मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी की 3 स्टेटमेंट्स ली गई, जिसमें से 2 स्टेटमेंट्स में उन्होंने अरविंद जी के विषय में कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे अपराध के विषय में कोई भी जानकारी होती हो या उसकी तरफ इशारा भी होता हो। 3री स्टेटमेंट उनके खिलाफ उन्होंने दी। उनके बेटे राघव की 7 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, 7। उसी एजेंसी ने 7 बार उनकी गवाही ली, 6 स्टेटमेंट्स में वो कोई ऐसी बात नहीं कहता, वो वही बात रिपीट करता है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे पिता जमीन के काम से अरविंद केजरीवाल से मिले। मगर जब 7वीं स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल को इंडाइट करता है तो उनकी बेल हो जाती है और उनको सरकारी गवाह बना लिया जाता है। हमने आपको शरद रेड्डी के विषय में बताया था कि शरद रेड्डी का भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है। शरद रेड्डी मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद
55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से देते हैं। सबके मन में सवाल था कि भाई चार में से एक गवाह का तो अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया, बाकी गवाहों का कौन बताएगा? तो आज हम मुगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव मुगुंटा रेड्डी के बारे में आपको बता रहे हैं। कल एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री जी की जो अलायंस है एनडीए, उसके घटक दल टीडीपी ने उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए उम्मीदवार बना लिया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।